हेलो दोस्तों, तो पता है आज मैं आप लोग क्या बना के दिखाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के इसी मैच बॉक्स और नोटबुक के पेपर का यूज करके एक बहुत ही शानदार और पावरफुल पेपर गन बना के दिखाने वाला हूँ। यार ये काफी ज्यादा मजेदार है, आप लोग वीडियो का एंड तक देखते रहना। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे टॉय गन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक नोटबुक के पेपर को ले लिया। मैंने व्हाइट कलर के पेपर का यूज किया, आप लोग लाइनिंग वाले का भी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं इसका रोल बना लूंगा एंड साइज तो मैंने आप लोग को दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और पेपर ले लिया, यहाँ पर आप लोग इसका भी साइज देख सकते हो, फटाफट इसका भी रोल बना लेंगे। और हाँ, यहाँ पर हमें सेम टू सेम दो पीसेस की जरूरत पड़ेगी और ये हम लोग का बड़ा वाला पीस। तो फिलहाल हमारे पास अभी टोटल तीन रोल्स है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक मैच बॉक्स ले लिया, इसके ऊपर वाले पार्ट में ग्लू लेके एक रेड कलर के पेपर को चिपका देंगे। और राइट, यहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया, सेम से मैंने पीछे भी चिपकाया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके किनारे वाले पार्ट में चिपकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसके ऊपर वाले पार्ट में ग्लू लेके अपने दोनों छोटे रोल्स को एक के ऊपर एक कुछ इस तरह से चिपका देंगे। उसके बाद बड़े वाले रोल को सबसे ऊपर में कुछ इस तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको काफी अच्छी तरह से चिपका दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और पेपर को ले लिया, साइज आप लोग देख ही सकते हैं। इसको भी फोल्ड करते हुए इसका भी रोल बनाएंगे, बट ये थोड़ा सा पतला होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको भी फोल्ड करने के बाद फटाफट ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते मैंने इसको काफी अच्छी तरह से चिपका दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग आगे से कुछ इतने दूर हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इन दोनों छोटे रोल्स के अंदर कुछ ऐसा इसको डालेंगे एंड एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग कट करके हटा देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको कट करने के बाद ये हम लोग एक छोटा सा ट्रिगर टाइप का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक और मैंने पेपर ले लिया जो कि पूरा का पूरा A4 साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए इसके एक पतला सा रोल बनाएंगे ताकि इसके अंदर कुछ इस तरह से इजिली आर पार जा सके। तो फिलहाल इसको मैंने निकाल दिया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक रबर बैंड को मैंने कट करके कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपका दिया। उसके बाद एक पेपर स्ट्रिप को इसके ऊपर काफी अच्छी तरह से लपेट देंगे। उसके बाद पीछे वाले पार्ट को भी कट करके अपने रोल को कुछ इस तरह से इसके अंदर डालेंगे एंड किनारे वाले पार्ट को फिर से चिपका के यहाँ पर भी एक पेपर रोल को हम लोग अच्छी तरह से लपेट देंगे। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग देख सकते मैंने इसको काफी अच्छी तरह से लपेट दिया एंड ये दिखने में भी काफी शानदार लग रहा है। और एक चीज बता दो, हमारा टॉय गन बनकर रेडी है। चलो अब हम लोग अपने पेपर बुलेट्स को भी बना लेते हैं। पेपर बुलेट बनाना बहुत ही इजी, जस्ट एक पेपर को फोल्ड करते हुए इसका एक छोटा सा रोल बना लेंगे। यहाँ पर मैंने टोटल दो पीसेस बनाए। यार अभी आप लोग देख सकते हो फटाफट अपने बुलेट को कुछ इस तरह से लोड करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये काफी पावरफुल के साथ चलता है। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।